हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो है जानवी कपूर के ऊपर। ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बार पहले पब्लिश करके रखा हुआ है, लेकिन उस वीडियो पे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। और ये वाला जो टॉपिक है, इस पर बहुत सारे नए इमेजेस और रील्स आप लोगों को इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख जाएंगे। तो उस टाइप की रील्स कैसे बनाने हैं और उस टाइप की फ़ोटोज़ कैसे खींचनी है, वो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोगों को कंटेंट आइडियाज़ भी मैं शेयर करूँगा, और जानवी कपूर का भी थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा, वो क्या करती हैं, क्या है उनके बारे में, सब कुछ आप लोगों को आज के पहले वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें जानने में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तो आप लोग जो है वॉइस को एकदम म्यूट करके सिर्फ वीडियो भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो हम इन्फो आप लोगों को दे रहे हैं, वो भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आप लोगों को, और आप लोगों को अपने फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में और जानने को थोड़ा ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आपके ऊपर है, आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो जानवी कपूर जो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, जिनकी बहुत सारी अपकमिंग मूवीज़ है, जैसे कि दीवारा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी इनकी जो अपकमिंग मूवी है। इनकी एज 26 ईयर्स है और इनका बर्थडे 6 मार्च 1997 को आता है। मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये फेमस एक्टर बोनी कपूर और लेट श्रीदेवी की बेटी हैं। आप लोगों को अगर जानना है कि इनके सिबलिंग्स कौन है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक है खुशी कपूर, एक है अर्जुन कपूर और एक है अंशुला कपूर। अर्जुन कपूर और खुशी कपूर का भी आप लोगों ने जो नाम सुना होगा, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी फेमस एक्टर्स हैं। इनकी हाइट है 1.63 मीटर्स। इनके इंस्टाग्राम पे अराउंड 20-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके हर एक फ़ोटो पे मिलियंस ऑफ लाइक्स आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जानवी कपूर जो है बहुत अच्छी अच्छी बोल्ड फ़ोटोज़ अपनी शेयर करती हैं, तो वो फोटोज जो पोस्ट करती हैं, कुछ ही मिनटों पे उन पर जो है मिलियंस ऑफ लाइक्स आ जाते हैं। और मूवीज से ज़्यादा इन्होंने अपनी हाइप इंस्टाग्राम फोटोज़ और रील्स के थ्रू क्रिएट की है। आज के टाइम में बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और बहुत लोग इनकी ब्यूटी का राज भी जानना इनसे चाहते हैं। तो इस टाइप का अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को इस टाइप के आउटफिट्स अगर ढूंढने हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को चीज़ बता देता हूं आप लोगों को क्या करना है। जो भी आउटफिट के बारे में आप लोगों को डिटेल्स चाहिए, या फिर वो सेम टू सेम वही आउटफिट आप लोगों को भी खरीदना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो भी आउटफिट है उसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसको जाके गूगल लेंस में अपलोड कर दो, वहाँ पर आप लोगों को उस आउटफिट से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी ये जो एडिटिंग आप लोगों को दिख रही है, इसमें आप लोगों को रील्स ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, ज़्यादा फोटोज़ ही दिख रही होंगी, क्योंकि इन्होंने जो फोटोज़ ही ज़्यादा अभी पोस्ट करके रखी हुई हैं। रील्स जो ये है, हमने एडिट नहीं किया है, ये पहले से एडिटेड है। हाउएवर, हम आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में कैसे एडिट करना है ये भी बताने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी फेमस मूवीज़ की हैं, जिसका जैसे कि बवाल जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, एक रूही नाम की पिक्चर भी इन्होंने की है जो 2021 में रिलीज़ हुई थी, और एक गुड लक जेरी नाम की मूवी भी इन्होंने की थी, जिनमें इनको लीड रोल मिला था। ये जो मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी। जानवी कपूर का रिलेशनशिप स्टेटस जान लेते हैं, तो उनका भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है शिखर पहारिया। ये अभी फ़िलहाल उनको ही डेट कर रही हैं। इसका कंफर्मेशन उन्होंने जो है कॉफ़ी विद करण के अपने एक एपिसोड में भी दिया था, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो